हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अभी दिन की अब आफ्टरनून हो गई है, 12:15 हो गया है और यहाँ पे नीतू का मैंने सुबह से लगी रही हूँ कि आज नीतू का टेस्ट है, तो मैंने यहाँ पे सारा पेपर करवा दिया है इसको। और जल्दी जल्दी में नीतू ने ना उल्टा स्वेटर पहन लिया, देखो ना उल्टा स्वेटर पहन के बैठी है, देखो देखो जल्दी जल्दी में। और इसको पेपर भी करवाना था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये खुद पहनी थी, उल्टा स्वेटर पहन के बैठी है। तो इसका पेपर कंप्लीट हो गया है, अब मैं स्कूल में इसका पेपर छोड़ने जाऊंगी, स्कूल में देने जाऊंगी। उसके बाद स्कूल में देकर आऊंगी, उसके बाद मैं नीचे बैठ खाना बनाऊंगी। मैं आज खाना में बनाऊंगी आज रोटी सब्जी। कल से मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था तो गले में थोड़ा वो अजीब सा हो गया था और थोड़ा सा बुखार भी था, तो मैंने कल दवा ले लिया और नित्य दिताने में भी दवा ले लिया। हम लोग अभी नाउ फीलिंग गुड हम दोनों। सो अब मैं जा रही हूँ फटाफट नीतू का ये पेपर देने। अभी तो घर पे रहेगी, यहाँ पे हीटर के सामने बैठ के ही मैंने पेपर करवाई सुबह से। इतना ठंड है ना बाहर, इतना बात ही मत करो, इतना ठंड है, सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आज तो पेपर है तो जल्दी उठना था, तो मैंने उठ के नीतू भी उठ गई थी 8:30 बजे, तो इसका पेपर आ गया है 9 बजे व्हाट्सएप में, और 9 बजे आ गया था। तो नित्य ने उल्टा स्वेटर पहने, पता नहीं कैसे पहनना आता नहीं, अभी छोटी है ना तो इसको अभी आता नहीं, आता है लेकिन जल्दीबाजी में। अच्छा जल्दीबाजी में, हाँ हाँ जल्दीबाजी में करके उल्टा स्वेटर पहन लिया। कोई बात नहीं, बच्चे सीख जाते हैं, डोंट वरी बेबी, ओके डोंट वरी, काम करते करते सीख जाते हैं। चलो मैं अब तुम्हारा पेपर देने जाऊंगी, तुम यहाँ पे घर पे रहना, उसके बाद मैं आके रोटी सब्जी बना लूंगी। देखो किचन मेरा, हमारा किचन फैला हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। और सुबह हमने नाश्ते में खिचड़ी बनाया था दलिया का, और वह बर्तन धुलना है, और उधर साथ मैं ये बर्तन धुल के उस टोकरी में रख देती हूँ। चलो मैं इसको साफ कर देती हूँ, पहले स्लैब को भी मैं साफ करके अच्छे से साफ कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना खाना बना लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंद रही हूँ, आटा गूंद के रख देती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और थोड़ा आटा गूंद के रखेंगे ना 10-15 मिनट, ये सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो ये मैं पहले से आदत है कि पहले जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तब मैंने पहले आटा गूंद के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। चलो मैं पहले यहाँ आटा गूंद के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं सेम बना रही हूँ, ये धुल के साफ़ कर लिया मैंने, देखो साफ़ कर लिया है सेम को, और इसको मैं तोड़ूँगी। और नहीं तो तुम भी तोड़ेगी? हाँ तोड़ो ऐसे करके, ऐसे करना, और यहाँ पे ऐसे करना, लो तोड़ो, तोड़ तोड़ के यहाँ पे रखना, देखना कीड़े उड़े ना, जिसमें कीड़े हो ना वो फेंकना है, कीड़े होती है इसमें, कीड़े नहीं है, कीड़े देखना होती है, ऐसे करके तोड़ना है। लो देख देख नित्तो दीता, देख तो देख, इधर इधर पहले ऐसे करना है, ऐसे निकालना है रिस्सा, इसका रिस्सा निकालना है, अब पीछे से भी इसका रिस्सा निकालना है, दो साइड से इसका रिस्सा निकालना है। तो अभी जाके ऐसे करना है, देख कितना अच्छे से, देख बीज है ना इसमें कितना अच्छा, तो इसको ऐसे ऐसे तोड़ना है, ठीक है, और सीख जाएगी धीरे धीरे, और मम्मी का भी हेल्प करेगी नहीं। अच्छा सही है, देख कितना ये, देख इसमें कीड़े नहीं है बेटा, कहाँ कीड़ा है, देख कीड़ा नहीं है, नहीं है ये कीड़ा, वो है, हाँ कीड़ा अलग होती है, देख बीज है ना सारा, हाँ देख यहाँ पे देख, देख इतना सारा बीज, कितने मोटे मोटे बीज, तो बीज के साथ ही अच्छा लगता है ये, इसको बीज को नहीं फेंकना है, ठीक है, तो ऐसे साफ करते हैं। किधर से लस्सी मिलता है? हाँ देखो इस तरह से रेशा आता है, दिख दिख मैं दिखा देती हूँ, इसमें रेशा नहीं है, जिसमें रेशा होती है वो, हाँ ऐसे करके ऐसे यहाँ पे तोड़ना है, और यहाँ पे भी तोड़ना है, और यहाँ पे भी 4 बार तोड़ना है। मैंने यह सब्जी कट करके रख लिया है, सेम और आलू को भी मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे 2 छोटे छोटे टमाटर को भी कट कर लिया है, और 1 प्याज को भी कट कर लिया है। यहाँ पे गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल भी रख दिया है, और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रेडी कर लिया है, 10 मिनट हो गया आटा गूंथ के रेडी कर लिया था, 10 मिनट तक हो गया है। और पहले यहाँ पर सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, मैं यहाँ पर जीरा रख देती हूँ,
जीरा रख देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज को कटी हुई प्याज को भी मैं ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मुझे भूनना है हल्का ब्राउन होने तक, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, इसको ब्राउन होने तक भून लूँगी। ये तो नहीं चाह इधर आ जाए बेटा, हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी। फ्रेंच फ्राई नहीं है, फ्रेंच फ्राई नहीं, मुझे इसी सेब का आलू कटी हुई पसंद आती है, तो ज़्यादातर मैं इसी सेब का आलू कटती हूँ जो फ्रेंच फ्राइज बनाती हूँ इसी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आलू रख देती हूँ, फ्रेंच फ्राई जैसा है, इसको मैं थोड़ी देर में इसको भून लेती हूँ आलू को पहले। एक मिनट डेढ़ एक दो मिनट इसको मैं आलू को पहले भून लेती हूँ। उसके बाद मुझे ऐड करना है सेम, और लास्ट में मैं टमाटर ऐड करूँगा। इससे पहले टमाटर इसमें रख देती हूँ ना, तो आलू अच्छे से पकता नहीं है, तो मैंने ज़्यादातर ही टमाटर लास्ट में ऐड करती हूँ। कभी कभार अलग अलग तरीके से बनाना हो ना, तब पहले मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ, बाद में कभी अलग तरीके से बनाती हूँ, कभी अलग तरीके से, कभी पहले टमाटर रख देती हूँ, कभी बाद में टमाटर, ऐसे होते हैं तो मन आता है करने का सब वही कर देती हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हो गया है आलू, यहाँ पे आलू के बाद मैंने ये सेम सेम ये बनाया हुआ सेम को यहाँ पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे सेम को भी मैंने रख दिया है, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है नमक और हल्दी। मसाला भी मैं लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि मसाला शुरू में रख देती हूँ ना तो जल जाती है, तो मैं लास्ट में ऐड कर देती हूँ मसाला भी, स्वाद अनुसार नमक रख देती हूँ। उसके बाद मुझे रखना है यहाँ पे हल्दी, तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको मैं अच्छे से कर दिया है, और मैं इसको ना ढक देती हूँ पाँच नहीं दो मिनट तक, इसको मैं अच्छे से ढक देती हूँ। एक साथ मैं पानी गर्म कर रही हूँ नित्यों को और मेरे लिए, नित्यों के लिए और मेरे लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी के सीजन में ना ये ठंडी की जो मौसम है उसमें मैं ठंडा पानी नहीं पी सकती, बच्चे को भी नहीं देना चाहिए, तो नित्य के लिए और मेरे लिए यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। देखती हूँ सब्जी क्या बोल रहा है, हमें सब्जी बोल रहा है मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गई हूँ, मैं सॉफ्ट हो गई हूँ थोड़ा सा, मुझे चलाते रहो बोल रहा है क्या सब्जी, मुझे थोड़ी थोड़ी मिनट में चलाते रहो नहीं तो मैं जल जाती हूँ बोल रहे थे सब्जी। तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट होने वाला है, उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर और मसाला ऐड कर दूँ थोड़ी, और एक मिनट इसको अच्छे से पका लूँगी। तब तक हम लोग यहाँ पे गर्म पानी पियेंगे, यहाँ पे सब्जी बनता रहेगा, और उसके बाद रोटी बना लेंगे, और नीतू के पापा अभी है नहीं घर पे, हम कहीं गए हैं, तो नीतू के लिए और मेरे लिए रोटी बनाना है, सिर्फ दो दो रोटी बनाना है, ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए दो ही रोटी बनाऊंगी, मेरे लिए दो नित्यों के लिए भी दो, तो रोटी सिंपल रोटी खाने को अभी मुझे सिंपल रोटी खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं अभी सिंपल रोटी बनाऊंगी, तेल घी कुछ भी नहीं डालूंगी उसमें, सिंपल रोटी बना लूंगी। उसके बाद नित्यों दीदा पानी पी, गर्म हो गया पानी, बाबू यहाँ पे आलू और सेम की सब्जी बन के रेडी हो गया है, और ये पक के रेडी हो गया है, और मैं इसको गैस ऑफ कर देती हूँ, और इधर साइड में रोटी बना लूँगी। रोटी के लिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रेडी कर लिया है, आटा लगाने के लिए रेडी कर लिया है, और बेलन भी मैंने रेडी कर लिया है। चलो मैं रोटी बना लेती हूँ अब फटाफट, नित्यों दीदा रेडी हो जाना रोटी खाने के लिए, ठीक है बेटा? क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं हुआ बेटा, पानी तो पिया नहीं है ना, कितना पिया पानी बताओ, थोड़ा। बेलन लेके आ रहा, फिर आज भी छुपा रही है नित्यों दीदा, बेलन लेके आ रहा बेटा, ए और जब मैं रोटी बनाती हूँ ना मेरे बच्चे ने बेलन छुपा के रख देती है, ले बेटा मुझे
दे दो बेटा मम्मी को। बस नहीं है बिना कलम मैं कैसे पढ़ूं। बाद में लास्ट में लास्ट में बाबू गेली लास्ट में बाबू सीखेगी छोटा सा बनाएगी नित्तू दी ताप ने। मैं इतना बड़ा डॉटी बनाऊंगी। हां नहीं छोटा सा जितनी छोटी हो ना उतनी छोटी बनाना। 8 इयर्स की होगी अब 8 रोटी खाना होता 8 रोटी। जितना इयर्स का होते ना उतनी रोटी खाना है। खाएगी खा पाएगी जैसे आप 8 इयर्स का हो गए। आप कितने इयर्स के हो? मैं 30 32 हाँ 32 रोटी खाओगे। ठीक 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 है यहाँ पे मैं रख दे। नीतू 8 रोटी नीतू 8 इयर्स की हो गई तो 8 रोटी खाएगी। लास्ट में करना बाबू अभी लास्ट में फटाफट बना लेती हूँ उसके बाद देख लेट हो रहा है अभी खाना खाने में ना जल्दी जल्दी रोटी खाना है। और कहाँ लेके गई ये बेलन वेलन देख तो हर बार छुपाती रहती है लेके आ तो मेरा बच्चा मेरा बेटा गुड बेबी है ना कितनी अच्छी बेटी गुड बेबी नीतू दीता गुड बेबी गुड गर्ल। ये सुलटा कर लेती है स्वेटर ना सुलटा कर लेती है नहीं आगे का पीछे का आगे बना रखी है तो सही कर लेंगे। सही है सही कर ले हाँ उल्टा पैंट चल रही है सही कर उल्टा कपड़े होता है अब आगे का पीछे पीछे का आगे बना रखी है तुम सही कर लो बेटा मेरा बच्चा जाओ खुद करना चाहिए ना टैंगल वाला अभी टैंगल वाला बना दूंगी नहीं तो के लिए बोल रही है टैंगल वाला। हाँ ठीक है मैं बनाऊंगी टैंगल वाला मैं चिमटा लेके आता चिमटा चिमटा ये रॉक हमारा चिमटा राष्ट्रपति का कौन सा राष्ट्रपति का चिमटा है मोदी का चिमटा है राष्ट्रपति का चिमटा बोल रही है तो मोदी का चिमटा मत कर चल जाता पापा मत कर बेटा राष्ट्रपति का चिमटा हमारा सेना चिमटा मोदी का चिमटा। प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है कौन से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोदी। क्या पूरा नाम? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाँ अब पता चल गया हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हो गया लंच की टाइम हम लोग बना लिया है नीतू के लिए दो नीतू के लिए दो रोटी। आपका सर कट गया कोई बात नहीं और लंच का टाइम हो रखा है हमने बना लिया रोटी मेरे लिए दो रोटी मुझे इतना खाने का मन नहीं कर रहा है और नीतू के लिए भी दो रोटी मैंने निकाल दिया है नहीं खाएगी क्यों और सब्जी भी निकाल लिया है चलो हम लोग लंच करते हैं। लग रहा है सब्जी नहीं इतना टेस्टी होगा ये ट्रायंगल वाला बनाना पड़ेगा इसका बहुत टेस्टी कितना अच्छा होगा सब्जी के साथ खा लो बेटा क्या कर रही नीतू दीता कुछ नहीं बस खेल रही हूँ। क्या है वो गुड़िया है किसका गुड़िया बनाई है आटा का हाँ? अच्छा आटा चोरी करके गुड़िया बना रही है नहीं चोरी अच्छा किया है देख तो आटा चोरी करके और गुड़िया बना रही है बचपन आ रहा नीतू का बचपन हम लोग भी बचपन में ऐसे करते थे आप भी करते थे हाँ जब मैं हमारी मम्मी रोटी बनाती थी ना हम लोग भी ऐसे आटा निकाल के कुछ कुछ बनाते थे तुम क्या बनाइए दिखाओ गुड़िया और उसके चेयर अच्छा गुड़िया और चेयर बनाइए अच्छा इससे अच्छा तो आप क्ले मिट्टी का बना लेते हाँ लेकिन क्ले मिट्टी खराब हो गई पहले दिया था ना मैंने दुकान से निकाल कर हाँ। बाल दिवस अच्छा चिल्ड्रन डे में ठीक है अभी उसको पेंट भी करोगे नहीं करूँगी मैं पेंट कलर भी अच्छा हाँ दिला दूंगी दुकान में जाके पेंट कलर ठीक है मुझे बहुत अच्छा लगेगा खुश हैप्पी और अभी दिन शाम के
साढ़े चार होने वाली है और मैं यहाँ पे आ रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने चीनी और चाय पत्ती भी रख दिया है, यहाँ पे अदरक कूट के रेडी कर लिया है और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और मेरी बेटी बोलते हैं स्माइली वाली कॉप में पीना है चाय, तो मैं ये छोटा वाला स्माइली कॉप में हम दोनों के लिए निकाल लूँगी, क्योंकि जब वो बोलती है मेरे साथ पियो साथ में, तो हम सेम कॉप में पियेंगे नित्य दिता और मैं स्माइली वाला। तो नित्य दिता बहुत हैप्पी होती जब भी हम लोग, तो बोलती है कॉप में साथ में पियेंगे, तो मैं इस कॉप में निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।